किसान मजदूर गांव कमेटी बीकर के नेतृत्व में घूरपुर पुलिस द्वारा बालू मजदूर नेताओं पर फर्जी मुकदमे गैंगस्टर समेत जैसे गंभीर धाराओं में दर्ज फर्जी मुकदमे के विरोध में सभा व रैली निकाली। सभा के दौरान नारे लगाए मजदूर नेताओं पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लो, एसओ घूरपुर बैरियर पर सिपाहियों द्वारा अवैध वसूली पर रोक लगाओ, मशीनों से घाट काट कर सूखी बालू पर रोक लगाओ, बालू मजदूरों का रोजी रोटी छीनना बंद करो, सभी गरीबों को कृषि एवं आवास के पट्टे दो, सभी गरीबों को राशन की गारंटी करो। कामरेड सुरेश निषाद ने कहा, आज मशीनों द्वारा अवैध खनन की जाने और पुलिस द्वारा फर्जी केस लिखे जाने के खिलाफ मजदूर अपने संघर्ष को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। आरएसएस भाजपा की सरकार माफिया के साथ है, मजदूर विरोधी है और बेहद भ्रष्ट है, गरीबों के राशन से भी बड़े पैमाने पर चोरी करा रही है। इस सभा की अध्यक्षता विनोद कुमार शैलानी ने किया, संचालन पप्पू निषाद ने किया। इस मौके पर राम आश्रे, राम मूरत, मनोज कुमार विष्णु, दीप चंद्र, किरण देवी, शीला देवी, राजकली, विमला, गुल बकली, कबूतरी देवी, फूलमणि, उषा देवी आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से प्रमोद यादव की खास रिपोर्ट।